नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो अभी जितने भी वैकेंसी भरी जा रही है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसमें तो पांच सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो भी आई है जून 2019 में, पोस्ट भी स्टार्ट है और अभी जितनी वैकेंसी भरी जा रही है सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पांच जो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है उनके बारे में हम, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो पहले नोटिफिकेशन है आपके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली की। कलर की इसमें पोस्टें भरी जाएंगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन है और आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए वैकेंसी होगी। तो ऑफलाइन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे वो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। न्यू दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें लोड विजन कलर की पोस्टें होगी और सैलरी आपकी रहेगी बेसिक जो है वो 5200 से स्टार्ट होगी और 20200 तक रहेगी और ग्रेड पे जो आपके 1900 इसमें रहेगी। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्टें होगी। एक्स सर्विस मैन और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए ये वैकेंसी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है। 17 पद भरे जाएंगे। एक्स सर्विस मैन के लिए 12 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 पद भरे जाएंगे। आप कौन सी श्रेणी के फिजिकल हैंडीकैप है वो आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताया हुआ है कौन सी वैकेंसी किस प्रकार से भरी जाएगी वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आप +2 पास होने चाहिए। ठीक है, ये आप होने चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपके इंग्लिश में 30 वर्ड, हिंदी में 35 वर्ड या आपको हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और बाकी कुछ जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें वो हम आपको बता देंगे। फीस इसके लिए कोई फीस नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड मीन्स कि इसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली में ही आपके सेंटर होंगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज अ रिकॉर्ड इन द मैट्रिक, हम नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेबसाइट महत्वपूर्ण होती है ताकि फिर आपको वेबसाइट के बारे में पूछना ना पड़े। तो इसके बारे में ये आपको लिंक दिया हुआ है ncert.nic.in, ये वेबसाइट रहेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे आपको पूरी जानकारी इसके लिए आपको मिल जाएगी कि आपको करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म आप देख लीजिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको लगाना है। डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट इज ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी होगी। कॉपीज ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, ये आपको बताया हुआ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये है फॉर्म। ठीक है, ये आपको फॉर्म भरनी है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप NCERT की जो अभी हमने आपको बेस में वेबसाइट बताई उस पर आप लॉगिन करेगा, बेस्ट करेगा, उस वेबसाइट को देखिएगा, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो उस पर भी आप इसको भरकर फिर आप इसको भेज सकते हैं। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन करेगा, जो भी दिया हुआ ये आपको भरना है। इसके बाद आपकी फॉर्म, आपने फॉर्म भेज देनी। तो भेजने का पर अब हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपकी फॉर्म जाएगी। तो फॉर्म कहाँ पर जाएगी ये आपको बताना है, हम बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये एड्रेस है आपका। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली में ये आपकी नोटिफिकेशन, आपको अपनी फॉर्म भर के भेजनी है। ठीक है, आप चाहे जहाँ से भी हो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर या शिलोंग में आपकी ये पोस्टिंग होगी अगर आपका चयन हो जाता है तो। अब जो अगली वैकेंसी है उस पर हम आपको जानकारी देते हैं। अगली है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ठीक है, वार्निंग कुछ बताए हुए कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इसको आप देख लीजिएगा। पोस्टें कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्टें भरी जाएंगी। नेम ऑफ द सर्विस एंड सर्विस कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है। सैलरी आपकी रहेगी 36,000 से 1,16,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। द ग्रुप वाइज डिटेल एज द वैकेंसी सेट द पोस्ट आर फॉलोज। द केमिस्ट्री के 40 पद है। बायोलॉजी की 14 पोस्टें भरी जाएंगे। फिजिक्स की आपकी 6 है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिवीजन कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस की 4 पद इसमें भरे जाएंगे। इस प्रकार से ये पोस्टें हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी 64 ये पोस्टें भरी जाएंगी। आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है इसकी वो आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट डेट है आपकी 22 जुलाई 2019 और फीस सबमिट कराने के लिए आपको 24/7/2019 तक, इसकी 24 जुलाई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। पेपर वन और पेपर टू के बारे में आपको बताया हुआ। डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम 24 अगस्त से आपका ये एग्ज़ाम होगा। पेपर वन और पेपर टू होगा आपका 24/7/2019 को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पेपर होगा। ठीक है, फीस के बारे में बता दें तो फीस किस प्रकार से रहेगी, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी 150 रुपये रहेगी।
तो किसके ले रहे हैं कि वो आपको पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर बताई हुई है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो इनके लिए, इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। बहुत सी वैकेंसी इसमें भी भरी जा रही है। शॉर्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको इसकी वेबसाइट का लिंक चाहिए तो कमेंट करना, हम आपको वेबसाइट का लिंक। अगली जो वैकेंसी है वो है आपकी सेंट्रल रेलवे से, ठीक है। ये रेलवे की वैकेंसी भरी जाएगी, लास्ट डेट नज़दीक है इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो कि वैकेंसी कौन सी है और लास्ट डेट जो है इसकी वो हम आपको बता देंगे। तो लास्ट डेट है आपकी 12 जुलाई 2019। तब तक अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नेम है मेडिकल और कैटेगरी कौन सी, पोस्ट कौन सी है, लैब अटेंडेंट की, SMO की वैकेंसी भरी जाएंगी। वैकेंसी 2 भी फेल्ड, आप लैब अटेंडेंट की 9 पोस्टें भरी जाएंगी, SMO की 2 है, टोटल 11 पोस्टें ये भरी जाएगी। कमर्शियल की कमर्शियल वैकेंसी भरी जाएंगी, डिपार्टमेंट नेम है कमर्शियल क्लर्क की, ये पोस्टें भरी जाएंगी। और क्लर्क की है टिकट एग्जामिनर की है, ये पोस्टें भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी है 150, ठीक है। तो क्लर्क के 72 पद भरे जाएंगे इसमें और टिकट एग्जामिनर जो है इसके लिए 78 पद भरे जाएंगे इस प्रकार से। तो ये पोस्टें भरी जाएंगी और बाकी SSC बर्थ JSSC की और इस प्रकार से जो भी पोस्ट है वो आपकी सिविल में ये वैकेंसी भरी जाएंगी। तो 304 पद जो इसमें भरे जाएंगे और बाकी आपकी स्क्रीन पर आ रही इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें भरी जाएंगी। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक हम आपको इसमें बता देंगे। 249 पद इसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिकल में, जैसे JEE है, फेटर है, MCM AC की है, इस प्रकार से मैकेनिक की, कारपेंटर की और जितनी वैकेंसी भरी जा रही है। तो अप्लाई कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ये ऑपरेटिंग की पोस्टें भरी जाएंगी, पॉइंट्समैन की वैकेंसी है 385 और टोटल है 385, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सी वैकेंसी है जिसके बारे में हम आपकी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन ला रही है। वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। तो ये है वैकेंसी, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके लिए, आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप ज़रूर करें। वेबसाइट का लिंक हम आपको बता देंगे कि कौन सी वेबसाइट है। 2000 ग्रैंड टोटल बन रहा है इसका, 2167 ये पद भरे जाएंगे। तो जो भी वैकेंसी अगर आपको चाहिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म है, ये आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म भरनी पड़ेगी। गूगल पर आप सेंट्रल रेलवे सर्च करेगा, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 जुलाई का टाइम है अभी आपके पास, अभी आज से 25 जून और जितनी वैकेंसी भरी जा रही है उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो सेंट्रल रेलवे में ये वैकेंसी भरी जा रही है, 2000 से ज़्यादा पद, अगर आप इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद जो अगली नोटिफिकेशन है वो आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ये नोटिफिकेशन है, कौन सी वैकेंसी किस प्रकार से भरी जाएंगी। वेबसाइट है आपकी www.rrc.wr.com, ये वेबसाइट है। डेट है 20/6/2019 को ओपनिंग डेट जो आपकी वो रहेगी 1 जुलाई से आप 30 जुलाई तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। वैकेंसी कौन सी वो हम आपको बता देते हैं और खुश हो जाओगे आप इनको देख कर कि वैकेंसी जो भरी जा रही है। जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट की वैकेंसी भरी जाएंगी, प्लस टू पास आप होने चाहिए, बाकी क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। पे स्केल लेवल 2 आपको लगेगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 65 वैकेंसी इसमें भरी जाएगी। SC की 11 पोस्ट, ST की 7 है, OBC की 22 है, टोटल 105 पद इसमें भरे जाएंगे। तो ये रही जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट की वैकेंसी, NTPC अंडर ग्रेजुएट ये पोस्टें भरी जाएगी। उसके बाद ट्रेन क्लर्क तो ये वैकेंसी भरी जाएंगी, प्लस टू पास आप होने चाहिए, 50% नंबर आपके होने चाहिए एग्रीगेट, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप इनको पढ़ सकते हैं। लेवल 2 फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी इसमें वैकेंसी भरी जाएगी। जनरल की 12, SC की 3, ST के लिए 0 है और OBC के लिए 3 है, टोटल 18 पद इसमें भरे जाएंगे। ये वैकेंसी इस प्रकार से भरे जाएंगे। और अब जो मेन है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो ये कैटेगरी कोड के बारे में आपको बताया हुआ कि CTG का मतलब होता है कैटेगरी, और कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, और TFC का मतलब होता है ट्रैफिक चैनल एक्स, ठीक है, ये ट्रैफिक चैनल, और EXM का मतलब होता है एक्स सर्विस मैन। तो इस प्रकार से ये कोड आपको बताए हुए हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन इनको आप पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। अब जो मेन है एज क्या होनी चाहिए आपकी, तो जनरल के लिए एज है 1977, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मीन्स कि
1977 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अप डेट ऑफ बर्थ ठीक है ये बताई हुई है, और लो बर्थ जो है वो आपकी है 1/7/2001, जिनकी 1970 से लेकर 2001 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फिर आपको SC ST एक्स सर्विस मैन के जो वैकेंसी भरी जा रही है इसमें, इनके लिए कैटेगरी में भी 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की। प्रूफ ऑफ एज व सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो उसका आधार होगा, इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी। बाकी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सिलेबस आपका क्या रहेगा, मैथमेटिक्स के आपको क्वेश्चन आए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको आएंगे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर www.rrc/wr.com, इस पर जाएगा ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, स्टेप 1, 2, 3 आप जितने भी है ए स्टेप है, तो स्टेप आपको ये भरने पड़ेंगे, इसके लिए आप अप्लाई जरूर करें। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की नोटिफिकेशन, इसके लिए कैंपस डायरेक्टर की पोस्टें मांगी गई है, अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं कि क्या आपको करना है और क्या इसके लिए आपको नहीं करना है। जॉब लोकेशन आप चेक कर लीजिएगा, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये किन्नौर और श्रीनगर की ये वैकेंसी भरी जाएगी कैंपस डायरेक्टर की। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या चाहिए, तो वो जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है कि क्या आपके पास होना चाहिए। तो बाकी अगर इसके लिए पूरी जानकारी आपको चाहिए तो MSME सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो एज लिमिट जो होनी चाहिए आपकी 56 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए ठीक है, तो ये इसमें आपको बताया हुआ है। बाकी सिलेक्शन के लिए आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं वो हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आपको भरनी है और भर के आपको फिर भेज देनी है, भेजने का है वो हम आपको बता देते हैं ठीक है। इसको आप चेक जरूर कर लेना, और वेबसाइट जो है मेन आपके लिए NFT.ac.in ये वेबसाइट है, इस पर जाएगा आप अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको आप भेज सकते हैं। तो एड्रेस जो आपका वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर आपको ये भेजनी है। उसके बाद अगली नोटिफिकेशन है वो आपके पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी भरी जा रही है, इसके लिए हम अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अभी पंजाब में जितनी वैकेंसी भरी जा रही है वो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में हम पंजाब के बारे में बता रहे हैं आपको, नेम ऑफ द पोस्ट क्या वो हम आपको बता देते हैं कि कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी स्क्रीन पर आ रही जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, फार्मा की ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी, बहुत सी पोस्ट हैं। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर आ रही है नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भरी जाएंगी। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट इसके लिए cup.edu.in ये वेबसाइट है कि बहुत सी ये असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी में भरी जाएंगी पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। लास्ट डेट क्या है हम वो आपको बताएंगे, इस प्रकार से बहुत सी पोस्ट है। इसके लिए अगर इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और क्या आपको करना है, किस प्रकार से पोस्टें भरी जाएंगी। तो UGC के जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक इसका आपका सिलेक्शन होगा, और बहुत सी पोस्ट है जिनको वापस ले लिया गया है ठीक है, इसमें वो भी बताया हुआ, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो मेन जो है महत्वपूर्ण आपको वो हम आपको बता देते हैं, ये UGC की वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है, इसको आप ओपन करेगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा इसके बारे में आपको रूल्स जो है गवर्नमेंट के उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो www.cup.ac.in ये वेबसाइट है और cup.edu.in ये वेबसाइट, दो वेबसाइट है, तो इस पर आप जाकर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और बहुत सी वैकेंसी है जो भरी जा रही है उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, हालांकि आज इसकी लास्ट डेट है ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी हम आपको बता देंगे। तो 2/7/2019 तक आपके जो प्रिंट आउट आपने की है फॉर्म बाद में वो आपको सबमिट करवानी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।